सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 12 के छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम कैकेयी का अनुताप, जो शीर्षक आपका चल रहा है, इसका अंतिम भाग, आठवां भाग हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपने देखा कि माता कैकेयी किस प्रकार से अपने अपराध का उन्होंने पश्चाताप किया है, और उसी क्रम में कुछ आगे भी पश्चाताप है। और कभी कभी जब पश्चाताप करती हैं और कभी कभी जब कोई गलती होती है तो उस गलती से हानि होने की तो ज़्यादा संभावना रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें लाभगत भी हो जाती हैं, कुछ लाभ भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो उस संबंध में थोड़ा सा इस पद्य में बात की गई है। तो देखें आगे, कहते हैं कि मैं इसे न जानू किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। तो आगे माता कैकेयी कह रही हैं कि मैं इसे न जानू, इसे किसे, भरत को। तुमने कहा पहले भी, एक उक्ति आपको याद होगी पिछले वीडियो में कही गई थी कि जनकर ही जननी जान न पाई जिसको, जिसको जन्म देने वाली माता ही जन्म देने के पश्चात नहीं समझ पाए। क्योंकि अपने पुत्र को जितना अच्छे से उसकी माता समझ सकती है, उसके गुण और दोषों की व्याख्या कर सकती है, उतना कोई नहीं कर सकता। लेकिन माता कैकेयी के संबंध में जो ये उक्ति प्रचलित हुई, ये उक्ति कही गई इस पद्य में, वो थी कि जनकर ही जननी जान न पाए जिसको। यानी भरत इतना उच्च और इतना आदर्श, इतना विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति है, और उसके गुण इतने अच्छे गुण थे, और उसकी माता ही उसके गुण को न पहचान सकी। तो उसी संबंध में यहाँ थोड़ा सा बात कही गई है कि मैं इसे न जानूं, क्योंकि तुमने कहा था कि मैंने जन्म देकर भी भरत को पहचानने में गलती की है, तो मैं इसे नहीं जानता, यानी मैं इसको, इस भरत को मैं अच्छी प्रकार से समझने में असमर्थ रही। किंतु जानते हो तुम, लेकिन फिर भी तुम तो, हे राम, आप तो इसे बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। अपने से पहले, तो कहा कि अपने से पहले यानी अपने से ज्यादा इस भरत को तुम मानते हो, प्यार करते हो, प्रेम करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा। कहा कि तुम दोनों भाइयों का जो प्रेम वास्तव में प्रकट हुआ है, जो दिखा है कि इतना ज्यादा आपस में प्रेम है कि भरत ने राजगद्दी छोड़ दी, उसको मिल रही थी फिर भी उसने छोड़ दी, आपके लिए छोड़ दी, और आपसे इतना प्रेम करता है कि नंगे पांव आपको बुलाने वापस यहाँ पंचवटी में चला आया है। ये जो देखने में जो दोनों, तुम दोनों का प्रेम प्रकट हुआ है, ये वास्तव में यदि वैसा ही है जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये दिवा सब पर यूं प्रकट हुआ हो वैसा, यानी जैसा दिख रहा है, जैसा सब कुछ प्रदर्शित हुआ है, यदि वो वास्तव में सत्य है तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो मैंने जो पाप किया है, मैंने जो दोष किया है, वह मेरा जो पाप है वो पुण्य के संतोष में बदल जाएगा। तात्पर्य है कि मैंने चूंकि पाप किया, और कहते हैं कि जब तक विपत्ति नहीं आती तब तक प्रेम प्रकट नहीं होता, जब तक मनुष्य साथ में रहता है तब तक आपसी जो प्रेम है वो दिखाई नहीं देता, और हमें लगता है कि हम एक दूसरे से को कम मानते हैं। ऐसा आपने देखा भी होगा कि घर में कहा जाता है कि तुम हमें कम मानते हो, या माताजी तुम हमें कम मानती हो, इस प्रकार की बातें देखने को मिलती। लेकिन जब वो व्यक्ति वास्तव में अलग हो जाता है तब वास्तविकता समझ में आती है कि हम उसके बिना कितने अधूरे हैं, उससे दूर रहकर हम कितना कष्ट में हैं। तब प्रेम प्रकट होता है, तब प्रेम का स्वरूप प्रदर्शित होता है, तब प्रेम दिखाई देता है कि दो व्यक्तियों के बीच में कितना अधिक प्रेम है। तो वही कहा कि तो पाप दोष, जो मेरा पाप रूपी दोष था, जो मैंने अपराध किया था, वह अपराध भी पुण्य के संतोष में बदल जाएगा। यानी उस अपराध के स्वरूप ही ये प्रकट हो पाया है। अगर मैंने अपराध न किया होता, राम वन में न आए होते, तो भरत के अंदर राम के प्रति और राम के अंदर भरत के प्रति कितना प्रेम है, ये किसी को दिखाई नहीं देता। इसलिए जो मैंने अपराध किया है, उस अपराध, वह अपराध भी मेरा जो है पुण्य के संतोष में बदल जाएगा। मैं रहूं पंकिला, पद्मकोश है मेरा। कहा कि मैं रहूं पंकिला, मैं कीचड़ हूं, क्योंकि
कीचड़ क्या गंदा होता है, और माता कैकेयी का स्वभाव गंदा हो गया क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया। तो कहा मैं पंकिला जरूर हूं लेकिन पद्म कोश है मेरा, लेकिन मेरी जो कोख है वह पद्म रूपी है। यहां रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो पद्म कोश है मेरा लेकिन मेरी जो कोख है ये पद्म है, कमल है, यानी इस कोख से कमल रूपी भरत जैसा पुत्र जन्म हुआ। मैं तो पंकिला हूं, मेरा स्वभाव गंदा है, मैं गलत हूं, मैं अपराधिनी हूं, लेकिन मेरी जो कोख है उसने कमल भरत जैसे कमल को जन्म दिया है, या कमल रूपी भरत को जन्म दिया। जैसे कीचड़ में कमल जो है उत्पन्न होता है, और वह कीचड़ के बीच में कमल जब खिलता है तो आपने देखा कीचड़ तो बड़ा गंदा होता है लेकिन ऊपर जो कमल होता है बड़ा सुंदर होता है। तो माता कैकेयी तो कीचड़ हो गई, अपने आप को कह रही कि मैं पंकिला हूं, मैं कीचड़ हूं। शब्द पूछ सकते हैं, इसका अर्थ पूछ सकते हैं, पंकिला माने कीचड़, कीचड़ वाली। लेकिन जो मेरा मेरी जो कोख है वह कमल रूपी, उसने कमल रूपी भरत को जन्म दिया है। ठीक है, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। आगत ज्ञानी जन, आने वाले जो विद्वान लोग हैं, यानी पीढ़ियां पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेंगी, और उन पीढ़ियों में जो विद्वान लोग हैं वह उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। युक्तियां माने तरीके। तो वो भरत और राम के जो का जो प्रेम है उसको अपना भाल ऊंचा कर करके उनकी गाथाओं को, उनकी कहानी को बताते रहेंगे। ठीक है, आगत ज्ञानी जन जो आने वाले विद्वान लोग हैं अपना उच्च भाल ले, उच्च भाल लेकर के मतलब अपना सीना चौड़ा करके, अपना मस्तक चौड़ा करके तुम दोनों का जो प्रेम है उसकी जो कहानियां हैं उनको अकाट्य प्रमाण देकर, अतुल युक्तियां अकाट्य प्रमाण देकर के उसको प्रमाणित करते रहेंगे। और साथ ही यह भी सिद्ध करते रहेंगे कि रघुकुल में एक ऐसी भी रानी हुई थी, इतने उच्च कुल में एक ऐसी भी रानी हुई थी जिसने इतना बड़ा अपराध कर दिया था। तो मेरी निंदा करते करके वो अपना भाल ऊंचा करते रहेंगे, और तुम दोनों भाइयों का के जो प्रेम का जो प्रेम है उसको भी बता करके, उसके उसके लिए अकाट्य प्रमाण दे करके, विभिन्न प्रकार के प्रमाण दे करके अपने मस्तक को ऊंचा करते रहेंगे। लेकिन मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा कहा। लेकिन मैं एक माँ हूँ और माँ के अंदर अपने पुत्र के प्रति एक व्याकुल हृदय रहता है, तो मैंने जो कार्य किया वह अपने पुत्र भरत के लिए किया, व्याकुलता में किया कि मेरे भरत का की कोई हानि ना हो जाए, इस वजह से मैंने किया। तो लेकिन आज मैंने अपनी गलती स्वीकार की है और मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, और आज मैं फिर तुमको अपने गले से, अपनी भुजाओं से आलिंगन करना चाहती हूँ, तुमको अपने घर यानी अयोध्या को वापस ले जाना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ से फिर से देख लीजिएगा, चाहे यहाँ देख लीजिएगा, पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। कहा कि यदि तुम भ्राताओं का जिस प्रकार का प्रेम, तुम भाई 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 का, भरत और राम का जिस प्रकार का प्रेम सबके समक्ष प्रकट हुआ है, यदि वह प्रेम वास्तव में वैसा ही है तो जो मैंने पाप किया था, पाप रूपी जो मेरा दोष है वह पुण्य रूपी संतोष में बदल जाएगा। तात्पर्य यह है कि वही उसी पाप के कारण ऐसा प्रेम देखने को मिला, अन्यथा की स्थिति में ऐसा प्रेम प्रकट ही नहीं हो पाता, कोई जान ही नहीं पाता कि राम और भरत के मध्य में कितना प्रेम है। ठीक, आगत मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, कि मैं जरूर कीचड़ हूं, मैं जरूर पंकिला हूं। ठीक है, मेरी मैं गंदी हूं, गंदी होने का मतलब यह है कि उन्होंने अपराध किया तो अपने आप को मानते हैं मैं कीचड़ के समान हूं, और लेकिन मेरी जो कोख है वह पद्म यानी कमल कोश के समान है। तात्पर्य यह है कि मैं कीचड़ हूं, मेरा स्वभाव गंदा है, मैंने अपराध किया है, मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, लेकिन मेरे इस कोख से कमल रूपी, इस कोख ने कमल रूपी भरत को जन्म दिया है, इसलिए यह धन्य है। और आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, जो आने वाले ज्ञानी जन हैं वो तुम्हारे और भरत के प्रेम की कहानियों को बताकर और मुझे मेरी कहानी को बताकर कि मैं कैसी थी, मेरा मैंने कितना बड़ा अपराध किया था, ये सारी बातों को अकाट्य प्रमाण दे करके अपना मस्तक ऊंचा करते रहेंगे। और अंत में कहा है उन्होंने, माता कैकेयी ने, कि मेरे
भी हे बेटा राम, मेरे अंदर भी एक माता का हृदय है, माता जैसे व्याकुल रहती है अपने पुत्र के प्रति, उसी प्रकार मेरा भी हृदय व्याकुल था, इसलिए उस समय मुझसे ऐसा कार्य हो गया। लेकिन आज मैं फिर से तुम्हें अपने गले से लगाना चाहती हूँ। मेरा मन है, मेरी इच्छा है कि तुम घर वापस लौट चलो और अयोध्या का राज संभाल लो। तो यहां पर आप देखेंगे रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्मकोश है मेरा। यहां जो यहां पर जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, सवैया छंद है और शांत रस का प्रयोग किया गया है। तो जो कैकेयी का अनुताप था, ये शीर्षक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।